लास्ट में आपको एनिमल किंगडम जो चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें आप देखोगे कि एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं जो बेसिकली याद नहीं होते हैं। और आपको पता है, चाहे हम सीबीएसई क्लास 11 की बात करें या एम्स के एग्ज़ाम की बात करें या NEET नीट की बात करें, उसमें क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल्स आते हैं। यदि आपको एग्जांपल्स याद हैं तो आप इजीली ये जो आपका चैप्टर एनिमल किंगडम, इसमें आपके AAT नीट में 4 to 5 MCQs आने ही आने होते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 3 MCQs एग्जाम्पल बेस होते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल्स याद हैं तो आप उस MCQ को ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में, आपको मैं 4 फाइलम के एग्जाम्पल्स बताऊंगा। सबसे पहला जो फाइलम है पोरिफेरा, देन सिलेंड्रेटा, यूनोफोरा, लास्ट वन इज प्लैटीहेलमिंथस। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको 4 फाइलम के एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि कैसे याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पोरिफेरा की, ठीक है। इसमें जो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स बता रखे कौन कौन से हैं, साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, सब एक साथ साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला। देखो सब एक साथ, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सिलेंड्रेटा, क्योंकि सिलेंड्रेटा में एग्जांपल्स आप देखोगे तो लंबी लिस्ट है, इसको भी कोई बात नहीं। इसके हमारे पास ट्रिक है, देखो क्या है, फिजेलिया, एडमेंसिया, एनाटोला, यूरेलिया, ओरगोनिया, ओबेलिया, एलसाइनोनियम, मिंट्रीना। ये जो एलसाइनोनियम है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है, अपा गोवा में पी फॉर फिजेलिया, ए फॉर एडमेंसिया, अगेन पी फॉर एनाटोला, ए फॉर यूरेलिया, जी फॉर ओरगोनिया, ओ फॉर ओबेलिया एंड ये जो आपका ए है, ये वाला जो ए आई है, ये जो एग्जाम्पल लिया गया है थोड़ा हायर लेवल का, ठीक है, एल साइनोनियम, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मिंट्रीना, पापा गोवा में। ये हो गया आपका ट्रिक सिलेंड्रेटा का। इसका क्या मैंने आपको बताया था, सब एक साथ पापा गोवा में, सब एक साथ पापा गोवा में, ठीक है। अब बात करते हैं इनोफोरा की। इसमें क्योंकि 2 एग्जांपल हैं, नंबर वन आपका प्लूरोब्रैकिया एंड सेकंड वन इज इनोफोरा। ये जो दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इजी है तो आपको इसके लिए कोई लेंथी ट्रिक नहीं चाहिए, मैंने ट्रिक सिंपल बना दिया है। PC डैट इज पर्सनल कंप्यूटर, हर एक घर पर PC होता है, ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर। वैसे इसको तो आप वैसे बात सकते हो इनो टीनो, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथस की, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथस में क्या है, आपके एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं, टीनिया, फिजियोला एंड लास्ट वन इज प्लैनेरिया। इसका क्या है ट्रिक, टू फिर हागल, ठीक है, PFP, ई फॉर इनिया, एफ फॉर पेंसियोला एंड पी फॉर प्लैनेरिया, ठीक है। ये सब आपको मैंने एग्जांपल्स बताए और इसकी ट्रिक बताई है, होप आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो नेक्स्ट फाइलम है, जो नेक्स्ट फाइलम इसके बाद आएंगे, उससे एग्जांपल्स की ट्रिक्स भी आपको मैं दूंगा। थैंक यू।